एक गांव में दो लोग रहते थे, तुलसी और स्वाति। एक सासू माँ थी और एक बहुरानी थी। हर किसी की तरह वो दोनों एक दूसरे से बहुत करीब थे, क्योंकि दोनों बहुत बड़े चोर थे। कहीं भी जाते थे वो कुछ ना कुछ चोरी कर लेते थे और एक दूसरे के साथ बांट लेते थे। इसी तरह चलती थी उनकी कहानी। एक दिन तुलसी सुबह सुबह बाहर निकल के आई। अरे बहुरानी, जल्दी बाहर निकल के आओ, जल्दी आओ। ये सुनकर स्वाति बाहर निकल के आई। क्या हुआ सासू माँ, क्या हुआ बताइए, आज कहाँ जाना है? आज हम मछली बाजार जाएंगे। गांव के अंत में जमीन के नीचे एक मछली बाजार लगाया गया है, आज मुझे मछली खाना है। हाँ, मैंने भी कई दिनों से मछली नहीं खाई है, तो चलिए चलते हैं आज। पर सासू माँ, पैसे नहीं है। क्या हमने कभी पैसे लगाए हैं इन चीजों पर? तो फिर आज क्यों लगाएंगे खरीदने के लिए? वो तो सही है, फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं। ये कहकर उन्होंने बैग उठाया और मछली बाजार के लिए निकल पड़े। वहाँ पर एक बड़ी मछली थी एक तरफ और छोटी मछलियाँ थी दूसरे तरफ। उन्हें देखकर एक इंसान कहने लगा, आइए आइए मैडम, ताजी मछलियाँ ले जाइए। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम आए हैं, बिना कांटेदार मछली है तो दीजिए। जो इंसान मछली बेच रहा था वो कहने लगा, हाँ आइए इस साइड में मैडम, जो यहाँ पर बड़ी मछली है इसके कांटे नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा उन्होंने कहा। तुलसी थोड़ी बगल में गई और बड़ी मछली को उठा ली और वैज्ञानिक की तरह वो परीक्षा करने लगी। इस बीच बहुरानी स्वाति धीरे धीरे छोटी मछलियों को अपने बैग में डालने लगी। कुछ मछलियाँ अपने बैग में रखने के बाद स्वाति तुलसी को इशारा करने लगी। ये देखकर उस इंसान ने कहा, मैडम कितने किलो चाहिए आपको मछलियाँ, ये बताइए। ये मछलियाँ बहुत बड़ी है, हम इतनी मछलियाँ नहीं खा सकते। बगल में रखे वो छोटी मछलियाँ ले लीजिए। ये मछलियाँ ताजी नहीं लग रही है, चलिए कुछ और देखते हैं। ये कह के वो दूसरी तरफ चले गए। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने दूसरी मछली वाले के पास जाकर किया और मछलियाँ चुरा कर अपने बैग में डाल के घर की तरफ निकल गए। सासू माँ, मछलियों का वजन 10 केजी हो गए हैं। हाँ ये तो बहुत है। इतनी मछलियाँ लेकर हम क्या करेंगे? फिर तुलसी सोचने लगी। ये भी सही है, चलो जो हमें जरूरत है वो रख लेते हैं और बाकी बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। मछली मछली, ताजी ताजी मछली ले लो। ऐसे वो बेचने निकल पड़े। सारी मछलियाँ घर जाने से पहले ही बिक गए। वो खुशी खुशी घर चले गए। ये रहे पैसे जो मिले हैं, आधे तुम्हारे लिए आधे मेरे लिए। उसने पैसे दे दिए, स्वाति खुशी खुशी ले ली। ठीक है सासू माँ, चलिए बाकी मछलियों को पकाते हैं, मुझे भूख लगी है। ये सोचकर वो किचन में जाते हैं। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। त्योहार आ रहे हैं, कुछ अच्छी साड़ियाँ लेना होगा। फिर चलिए आज हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। ये सोचकर दोनों तैयार हो गए बिल्कुल अमीरों की तरह और शॉपिंग मॉल चले गए। वहाँ साड़ियों को चुन के रखा। सासू माँ, ये सिल्क की साड़ी बहुत सुंदर लगेगी आप पर। तुलसी ने फिर उस साड़ी को उसके हाथ से ले लिया। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है, ये सिर्फ वही साड़ियाँ दिखाते हैं जो हमारे रेंज में है। जो उन्हें साड़ी दिखा रहे थे उन लोगों ने उनकी बातें सुन ली। ये सोचकर कि ये बहुत अमीर है, उन्होंने कीमती साड़ियाँ दिखाने शुरू कर दिए। हम इन साड़ियों को एक बार ट्रायल करके देखना चाहते हैं। दोनों ने मिलकर 10 साड़ियों का एक बंडल बनाकर ट्रायल रूम में चले गए। कुछ साड़ियाँ जो वो लेकर गए थे वो कम थे, जब बाहर निकल के आए तो थोड़े मोटे लग रहे थे। देखिए कोई भी साड़ी हमारे ऊपर जच नहीं रही है, ये साड़ियाँ हमारे लायक ही नहीं है, क्या कहती है आप सासू माँ? हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, मुझे भी ये साड़ियाँ कुछ खास अच्छी नहीं लगी, चलो दूसरे दुकान चलते हैं। फिर उन दोनों ने साड़ियों को रख के निकल गए वहाँ से। फिर वो एक ऐसी जगह पर गए जहाँ कोई नहीं था। अरे मैं ज्यादा देर इन साड़ियों को अंदर नहीं रख सकती, चलो इनको बाहर निकालते हैं और एक बैग में डाल देते हैं। स्वाति और तुलसी ने चोरी की गई सब साड़ियों को अपने अंदर से निकाला। ये रही तुम्हारी साड़ी और ये मेरी। स्वाति ने एक बैग निकाला, फिर एक खूबसूरत सी साड़ी उठाकर उसने रख दिया और कहा, ये मेरी है। तुलसी ने वो देख लिया, फिर वो कहने लगी, क्या स्वाति तुम भूल गई हो, मैंने उस खूबसूरत साड़ी को चुराया था, वो मुझे दे दो। लगता है आप भूल गई है,
ये मैंने चुराया है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसीलिए ये मेरी साड़ी है। ये सुनकर तुलसी को बहुत गुस्सा आता है और वो साड़ी पकड़ लेती है। स्वाति जैसे ही देखती है वो भी साड़ी को कस के पकड़ लेती है और छीनती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ उस साड़ी के लिए लड़ने लगते हैं। उस कपड़े के दुकान के मालिक उन्हें देखकर सोचते हैं, अरे देखो ये साड़ी के लिए किस तरह यहाँ पे लड़ रहे हैं। ये सोचते हुए वो अपने दुकान में चले गए। जब वो वहाँ गए तो दुकान के कर्मचारी ने मालिक से कहा कि कुछ महंगी साड़ियाँ गायब हो गए हैं। तब जब एक बहू और एक सासू माँ यहाँ पर आई थी। मतलब सासू माँ और बहू, और अभी जो लड़ाई कर रहे थे बीच रास्ते में, उन्होंने हमारी कीमती साड़ी चोरी की है। अगर हम अभी जाते हैं तो पकड़ सकते हैं उन्हें। वो पुलिस को बुलाते हैं और निकल जाते हैं वहाँ के लिए। फिर पुलिस और दुकान के मालिक वहाँ पहुँचते हैं और उनके बगल में जाके खड़े होके उन्हें देखने लगते हैं। सासू माँ और बहू रानी बिना रुके साड़ी को पकड़ के तभी भी लड़े जा रहे थे, ये मेरी है ये मेरी है कह के। और फिर खींचातानी में वो साड़ी फट जाती है बीच से। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। तुम एक छोटी सी साड़ी के लिए मेरे साथ लड़ रही हो। तुम जैसे लोगों के साथ कभी चोरी करना ही नहीं चाहिए। अच्छा आप तो बड़े इंसान है ना, आपके मन में बहू के लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है। आप कैसी कर रही हैं सासू माँ? वो एक दूसरे से इस तरह से लड़ाई कर रहे थे। देखिए ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, देख के तो लग रहा है कि ये बहुत बड़े चोर हैं। चलिए इनके पास चलते हैं। दुकान के मालिक और पुलिस उनके पास गए। उन्हें देखकर दोनों काफी डर गए। कौन सी दुकान से तुम लोगों ने ये खरीदा है, हमें उसकी रसीद दिखाओ, इस तरह से उन्होंने पूछा। दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। एक दूसरे के चेहरे के देखने के अलावा रसीद नहीं दे सकते हैं आप। हमें पता है ये खरीदा हुआ नहीं है, चोरी का है, इसीलिए तुम दोनों इतने डरे हुए हो। ये सुनके डर के मारे दोनों कहने लगे, महाशय हमसे गलती हो गई है, हमें छोड़ दीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने साड़ियों को उनके हाथ सौंप दिया। माफ कर दो इन औरतों को, छोड़ दो, अगर फिर से तुमने ये काम किया तुम्हें जेल में डाल देंगे, फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। ये कहकर वहाँ से वो चले गए और उन्हें भी जाने दिया। फिर वो शर्मिंदगी से अपने घर वापस गए। सुबह हो गई थी, प्रिया सो रही थी, फिर भी पुष्पा हॉल में बैठी थी और अखबार पढ़ रही थी। प्रिया बहुत देर हो चुका है, सुबह हो गई है, उठो और जल्दी जाके मेरे लिए कॉफी बना के लेके आओ। वो बहुत जोर से चिल्लाई पर फिर भी प्रिया आलसी जैसे सोई पड़ी रही। ये देखकर पुष्पा ने कहा, अरे इसे तो बिल्कुल डर नहीं है। वो दरवाजे के पास गई और देखी कि प्रिया तभी भी सो रही थी। थोड़ा सा भी डर नहीं है इसे, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यही सही समय है इसकी जान ले लेने का। पुष्पा धीरे धीरे प्रिया के पास गई। उसने पास में पड़े तकिया को लिया और उसके नाक पर रख के दबाने लगी। प्रिया सांस नहीं ले पा रही थी और उसने जोरों से पुष्पा को धक्का दिया। पुष्पा एक झटके में जाके नीचे गिरी। हे भगवान, क्या ये सपना था? मैंने सोचा ये सच है, मैं डर गई थी। मेरी किस्मत, मुझे इस तरह की सांस मिली है जो मुझे अभी भी सोने नहीं देती, मेरे सपने में आती है। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा, देखा कि तब सुबह के 6 ही बज रहे थे। सुबह हो गई है, कुछ काम कर लेना अच्छा होगा, नहीं तो ये पुष्पा मेरे पीछे ही पड़ जाएगी और जान ले लेगी। वो जाकर घर की साफ सफाई करने लगी और उसके बाद रसोई में गई। इस बीच पुष्पा उठ के जाके हॉल में बैठ गई। प्रिया मेरे लिए कॉफी ले आओ। ठीक है सासू माँ, लाती हूँ। प्रिया ने उन्हें कॉफी दिया। पुष्पा ने एक चुस्की लगाई और कहा, हाय ये क्या कॉफी है, इतनी कम चीनी है इसमें, जाओ जाकर चीनी ले आओ। उन्होंने कॉफी का कप प्रिया को धरा दिया। प्रिया जाके उसमें चीनी मिलाई और फिर लाके पुष्पा को दी। पुष्पा ने उसे फिर एक चुस्की लगाई और कही, हे भगवान तुम इतना चीनी मिला दी हो, मधुमेह हो जाएगा मेरा, जाओ थोड़ा दूध मिलाकर ले आओ इसमें। कितना बार समझाऊं कैसे कॉफी बनाना है। फिर उसने वो कप उसे वापस दे दिया। इसमें जितना चीनी चाहिए उतना ही मिलाया है, पी कर तो देखिए। वही करो जो मैंने कहा है, मुझे मालूम है कैसे पीना चाहिए, जाओ दूध ले आओ। ये सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आया। चीनी नहीं जहर मिला दूंगी,
ताकि मुझे इस सास से छुटकारा मिल जाए। मन ही मन ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। ये सुनकर पुष्पा ने कहा, क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं सासू माँ, कुछ भी नहीं, एक मिनट में अभी ले आती हूँ। वो रसोई घर गई और कॉफी के कप में दूध मिलाकर पुष्पा को फिर से दे दी। तुम्हें कुछ अकल भी है? ये कॉफी मैं कैसे पीऊंगी, ये ठंडी हो चुकी है, जाओ उसे गर्म करके ले आओ। उन्होंने फिर से कॉफी का कप प्रिया को दे दिया। प्रिया को अब बहुत गुस्सा आया, उसने कॉफी को कुछ ज्यादा ही गर्म कर दिया। फिर वो मन ही मन बोलने लगी, ये सब जानबूझ के कर रही है, देखो मैं अभी क्या करती हूँ। उसने कॉफी को ज्यादा गर्म कर दिया और गिरने जैसा अभिनय करके गर्म कॉफी पुष्पा के मुंह पर गिरा दिया। पुष्पा जोरों से चिल्लाने लगी, हे भगवान, जल रहा है, जल रहा है, तुमने जानबूझ के किया है। अब मैं क्या करूं, बहुत जल रहा है। हाय भगवान, मैंने जानबूझ के नहीं किया सासू माँ, मेरे पैर फिसल गए थे, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये कहकर वो रसोई में चली गई। मैं अब बहुत खुश हूँ, आज के लिए काफी है, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। और परेशान करेंगी आप क्या? कुछ देर के बाद पुष्पा जाके अपने मुंह को ठंडे पानी से धो लिया। फिर पुष्पा ने कहा, ये सब प्रिया ने जानबूझ के किया है, मैं अभी उसे मजा चखाती हूँ। मन ही मन उसने एक तरकीब बनाई और प्रिया से कहा, प्रिया देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, जाके घर की सफाई करो। सुबह ही तो साफ किया था सासू माँ। कुछ भी साफ नहीं है, तुम आजकल आलसी बन गई हो, मैं बेकार ही तुम्हें खिला पिला रही हूँ, मेरे बेटे को आने दो घर, जाओ जाके अपना काम करो। अरे जाओ भी। वो इस तरह से प्रिया पे बिना मतलब का चीखती चिल्लाती थी। ये सुनकर प्रिया किचन में चली गई। मैं गुलामों की तरह उनके लिए काम करती हूँ, वो कैसे कह सकती है कि वो मुझे बेकारी खिला पिला रही है। वैसे भी आज मैं व्रत कर रही हूँ, उनसे भी व्रत करवा लेती हूँ। उस दिन उसने सारा खाना बर्बाद कर दिया। बाद में थोड़ा चक्कर देखा तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो खाना खाने लायक नहीं था, पर मनी मन वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, कोई भी इस खाने को खाकर मर ही जाएगा। उसने उस पकवान को लाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया। पुष्पा उस वक्त खाना खाने बैठी थी। तुम भी जाके खाना खा लो। आज मेरा व्रत है, आज शनिवार है ना, आप खाइए। पुष्पा ने खाना अपने थाली पर लिया और खाने लगी। जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, उसने थूक दिया। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। तुमने इसमें क्या मिलाया है? खाते ही मेरा हाल जैसे मानो मरने जैसा हो गया हो। मुझे नहीं मालूम सासू माँ, जैसा बनाती हूँ वैसे ही बनाया था। पुष्पा कुछ कर नहीं पाई और उसने भी व्रत रख लिया। फिर पुष्पा सोचने लगी, इसने जानबूझ के किया है ताकि मैं व्रत करूं, मैं इसका बदला आज ही ले लूंगी। देखो मैं इसे कैसे मजा चखाती हूँ, बहुत फड़फड़ा रही है मेरे सामने, अब इसे पता चलेगा मैं आखिर में हूँ कैसी चीज। प्रिया कुछ काम के लिए बाहर गई। बिल्कुल उसी वक्त पुष्पा ने सीढ़ियों पर तेल लगा के रख दिया ताकि प्रिया फिसल कर वहाँ गिर जाए। वो इंतजार करने लगी कि कब प्रिया वापस आएगी और गिर जाएगी। मेम साहब, कोई है घर पे? हैदराबाद से एक पार्सल आया है। पुष्पा और प्रिया ये सुनते ही दोनों दौड़ के वहाँ आने लगे। पुष्पा भूल गई थी कि उसने सीढ़ियों पर तेल गिलाकर रखा है। दोनों ही फिसल कर गिर पड़े सीढ़ियों से। ये देखते ही वो व्यक्ति बहुत हंसने लगा। फिर पुष्पा ने कहा, बेटे ने ये मेरे लिए भेजा है, मुझे दे दो जल्दी से आके। नहीं नहीं, ये तोहफा मेरे पति ने मेरे लिए भेजा है, मुझे दे दो। फिर दोनों आपस में लड़ते रहे। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, आप दोनों सोच लो ये किसका पार्सल है, मैं इसे रख के जा रहा हूँ। उसने पार्सल वहीं रखा और चला गया।